Hello friends, how are you? I am Professor S.D. Jitendra, the founder and CEO of GDS International Management College, Mumbai. I am a motivational speaker as well as management consultant. Today I am going to discuss about a very unique topic and which is a very common also, and that topic name is how to listen. It means effective listening. It means your management of listening. I use this word, your management of listening. It means you're a management graduate, you're a management student, you're a management person, whether you're working for the middle management, lower management, and top management, you must have one skill is with you, that how to listen. And here we are using how to listen effectively. So one by one, we are going to discuss this point. The first point which we are going to discuss is show interest. Friends, I always tell my audience that if you really want to listen carefully, show interest in others, show interest in people, show interest in speaker, show interest in the next person, one who is talking to you or addressing you. Vice versa, agar aapka interest samne wale vyakti mein nahi raha. Believe me, I am a secretary's counselor. I always talk in the very secretary aspects. I always tell ki agar aapka samne wale vyakti mein interest nahi raha, तो बिलीव मी, वो जो भी बोलता है आपको उसका सुने नहीं आता है. वो जो भी बोलता है आपको उसके आवाज में क्लैरिटी नहीं मिलती है. एज अ प्रोफेसर, व्हेन आई एड्रेस माय लेक्चर एंड आई आस्क पीपल, हैव यू गॉन थ्रू, हैव यू लिसन, आर यू दिस माय वॉइस इज ऑडिबल, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जो इंटरेस्टेड रहता है वो बोलता है यस सर, आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनने में आ रहा है. लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो बोलता है कि सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही है. तो ये सब जो मैटर है ये आपके इंटरेस्ट का है, कि जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको बातें बराबर सुने आती है, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसकी वो बातें आपको सुनाई नहीं देती है. तो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपको जो स्पीकर है जिससे आप बात कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है. दैट वॉज माई फर्स्ट पॉइंट. आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माई सेकेंड पॉइंट. वॉट इज माई सेकेंड पॉइंट? अंडरस्टैंड. कोई भी स्टेटमेंट जब स्पीकर बोलता है उसको समझने की कोशिश करो. Try to understand what exactly this man is talking. Try to understand what is the purpose behind this. Try to understand why this person is talking like this. Har cheez har angle se samajhne ki koshish karo, sunne ki koshish karo, samajhne ki koshish karo. Jisko hum log bolte hain ki agar aapke paas ek attitude hai jiska naam hai learning attitude, to aap har segments mein us statement ko samajhne ki koshish karenge. और मुझे यही चाहिए कि आप वो स्टेटमेंट को समझो. अगर आप नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. जैसे कॉलेज में और या कंपनीज में जब बॉसेस कोई बातचीत करते हैं तो वो जो जो बातचीत कर रहे हैं उसको याद मत करो, उसको समझो. अगर आपने उसको समझ लिया तो डेफिनेटली यू विल डू वंडर इन योर रिप्लाई. नाउ माई थर्ड पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एक्टिवली. जिसे आपने सुना होगा कि हम दो टाइप की सुनते हैं बातें, एक्टिवली और पैसिवली. इट मींस आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा, हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हर समय आपको जागते रहना पड़ेगा. तो स्पीकर को बार बार बोलना पड़ता है जागते रहो, जागते रहो. तो उससे क्या होता है कि अगर आप एक्टिव है तो ही आप सुन पाएंगे, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप सुन नहीं पाएंगे. माई फोर्थ पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेट. यू इंक्रीज, यू इनहांस, यू डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन, योर इन्वॉल्वमेंट इन योर डिस्कशन. इट मीन्स जब आप कभी किसी से बात कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से बात करते समय अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए मतलब आपका ध्यान बढ़ाइए, आपका ध्यान लगाइए, वो क्या बोल रहा है उसके बारे में सुनिए. मैं जैसे बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं सर आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन, तो मैं जब लोग मेडिटेट करते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप मेडिटेशन कैसा करते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग सिर्फ आग बंद करके, हम लोग आग बंद करते हैं और भगवान का याद करते हैं. अच्छी बात है, दिस इज़ अ राइट वे ऑफ मेडिटेशन. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि जब आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और पर्टिकुलरली नेचर में, तो आपको छोटी सी छोटी आवाज़ सुनाई आना चाहिए. अगर आप कोई गार्डन में बैठे हो तो आपको कोई चिड़िया की आवाज़, कोई पक्षी की आवाज़, कोई झाड़ की आवाज़, कोई पत्तों की आवाज़,
छोटे से छोटी आवाज भी आपको सुनाई आना चाहिए। अगर आपको आवाज नहीं आएंगी छोटी सी आवाज, तो समझना आप अपने मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोज हु आर एक्सलेंट इन इफेक्टिव लिसनिंग, दे आर द पीपल, दे लिटरली परफॉर्म वेल देयर मेडिटेशन। एंड माई फिफ्थ पॉइंट इज लुक एट स्पीकर। एक ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखो। आंखों में देखो मतलब क्या है कि एक टेक्निक है कि जैसे हमारे पास जो ह्यूमन बींग जो बात करता है तो उसका आंखों में एक मोमेंट रहता है, तो एक आंखों में मोमेंट रहेगा लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट, और तीसरा हो गया उसके लिप्स जो उसके मोमेंट में आ रहे हैं जो बातचीत कर रहा है। अगर आपका फोकस, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन एब्सोल्युटली लेफ्ट राइट एंड सेंटर रहेगा, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो। व्यक्ति की तरफ देखना मतलब उसके पूरे बॉडी को देखना नहीं है हमको, हमको सिर्फ तीन चीज की तरफ देखना है, उसका लेफ्ट साइड, जैसे उसकी लेफ्ट आंखें, उसकी राइट आंखें और उसका लिप्स मोमेंट। अगर आप ये तीनों तरफ देखेंगे तो बिलीव मी आपको सुनने में बहुत आसानी जाएंगे। और अगर आपकी ये फिलॉसफी डेवलप हो रही है कि यस आई कैन लिसन इफेक्टिवली, आई कैन लिसन द बेस्ट, तो समझना आपका काम हो गया। अभी जो मैंने आपको ये जो टॉपिक दिया है, जो हमने डिस्कस किया है वीडियो पे, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग। ये क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि जब हम लोग हमारे टॉप बॉसेस से बात करते हैं, जब हम लोग हमारे जूनियर से भी बात करते हैं, तो देखिए कि अगर कोई जूनियर आपसे बात कर रहा है, चाहे वो पोस्ट में हो चाहे एज में हो, तो आप अगर ये इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो वो उसका जो रिस्पेक्ट है आपके प्रति वो बढ़ता है। उसको लगता है कि यस ये जो पर्सन है ये इज़ अ वेरी गुड लिसनर और ये हमारा सुनता है। अब इसका अपोजिट करिए, अगर आप किसी को नहीं सुनते हो तो वो व्यक्ति के पास ऐसा मैसेज आता है कि जो मेरा बॉस है, ये जो पर्सन है, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन एनी पर्सन। और जब आप देखते हैं कि कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपना उसमें इंटरेस्ट खो देते हो। और एक बात है कि अगर आप टॉप लेवल पे बात कर रहे हो या आप टॉप लेवल पे काम करते हो, तो जब आपका बॉस आपसे बात कर रहा है, अगर आप कंसिडर करिए यू इन द मिडिल मैनेजमेंट और यू इन द टॉप मैनेजमेंट, एंड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रोफेशनली इन द कंपनी एस्पेक्ट्स, तो आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि सर फिर से बोलिए, सर पार्डन मी, सर आई बेग योर पार्डन, सर प्लीज, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो आपको उस वक्त वो, क्योंकि वो लोग जो टॉप मैनेजमेंट्स है वो बहुत कम बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना पड़ता है और सुनने के बाद अपना ओपिनियन उनको देना पड़ता है। तो मैं आपको ये डेवलप कर रहा हूँ आपकी लिसनिंग स्किल्स, ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके एजुकेशन लाइफ में, आपके हर लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इंडस्ट्रीज में तो बहुत से जो लोग बोलते हैं कि सर आप हमें लिसनिंग के ऊपर में लेक्चर दीजिए, तो दिस इज द रीजन, वन ऑफ द कमेंट्स आई हैड गॉट कि व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग, इसलिए मैंने ये प्रिपेयर किया अपना वीडियो और आपके सामने इसको प्रेजेंट किया। अगर आपको और कोई पॉइंट लगता है तो आप मुझे बताइए कि सर ये पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो माय लास्ट स्टेटमेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, टू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अवर डिस्क्रिप्शंस, चाहे वो मेल हो या आपका टेलीफोन नंबर हो, तो आप टेलीफोन नंबर पे भी हमारे बात करते हैं कॉलेज में, हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे काउंसलर है वो आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। अगर आपने मेल भी किया तो उसका भी आंसर आपको मिलेगा। ये हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, इट इज़ नॉट ओनली इज अ कंटिन्यूस। अभी मैं आपको एक शेयर करता हूँ आपके साथ में, अगर आपने उस चीज़ को किया कि कमिंग 20th, दैट इज़ अ 20th जुलाई, हमारे GDS इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा है जिसका जो टॉपिक है वह है लीडरशिप के ऊपर में। तो उसमें मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के लोग हमारे एक्सपेक्टेड है। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो दे कैन ऑल्सो कॉल अस, दे कैन ऑल्सो इन्फॉर्म अस थ्रू अवर मेल एंड थ्रू टेलीफोनिक कॉल। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक माई स्टेटमेंट, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।